पथरिया विधानसभा की बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह खुद को भिंड में सरेंडर करने की बात कह रहा है। इस बीच ग्वालियर एसटीएफ चीफ विपिन माहेश्वरी ने स्थानीय पुलिस की मदद से गोविंद सिंह को भिंड बस स्टैंड से गिरफ्तार करने का दावा किया है। उधर विधायक रामबाई ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके पति ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आखिरकार विधायक रामबाई का पति गोविंद सिंह परिहार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। करीब 2 माह पहले हटा न्यायालय ने विधायक पति का नाम फिर से एफआईआर में शामिल कर उसे 84 हत्याकांड का आरोपी माना और उसके बाद से ही गोविंद सिंह फरार हो गया था। गोविंद पर हटा निवासी देवेंद्र चौरसिया के हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। गोविंद पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी लगातार प्रदेश के डीजीपी और सरकार को 2 बार फटकार लगा चुका है। आज गोविंद ने वीडियो जारी कर कहा कि वे भिंड में समर्पण कर रहे हैं। इस केस में मेरी पत्नी विधायक रामबाई ने वीडियो जारी करके कहा है कि आप सरेंडर कर दें, तो मैं यहाँ विधायक के माध्यम से सरेंडर कर रहा हूँ। भिंड पुलिस के यहाँ या ग्वालियर पुलिस के यहाँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुझे सरेंडर करा रहे हैं और मैं पुलिस के यहाँ अपनी स्वेच्छा से सरेंडर करता हूँ। अब इसमें आगे कोई बात आए तो भाई वो कानून की बात है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से पुलिस में सरेंडर कर रहा हूँ और ये जो घटना है, इस घटना की मुझे जानकारी भी नहीं थी। जिस घटना में मेरा नाम जोड़ दिया गया है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं माननीय न्यायालय सेशन और उच्चतम और उच्च न्यायालय माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लें और अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे तो चौराहे पे फांसी दी जाए, लेकिन मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ जिसके लिए इस अपराध में सिर्फ एक राजनीति की वजह से नेताओं की कूटनीतिक रचित जाल के कारण मुझे फंसाया गया है, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। गोविंद सिंह द्वारा जारी वीडियो में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी विधायक रामबाई ने मीडिया के माध्यम से उसे सरेंडर करने की अपील की थी, इसलिए वह भिंड जिले में सरेंडर कर रहा है। इस वीडियो में उसने खुद को निर्दोष भी बताया है और उसका कहना है कि वह पूरी तरह निर्दोष है और यदि वह दोषी साबित होता है तो उसे चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। इसके बाद बसपा विधायक रामबाई ने कहा, सभी जनता जनार्दन को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पति ने आज भिंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। सभी जनता जनार्दन, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को हम एक संदेश दे वो चाहते हैं कि हमारे पति ने आज भिंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। और मैं सभी देशवासियों को और सभी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि आज तक वो पेश इसलिए नहीं हो रहे थे कि पिछली बार 22 तारीख को मेरी सुनवाई की डेट लगी थी मेरे पति की जबलपुर में, और फिर 22 के बाद उनने 26 कर दी थी, इसलिए वो पेश नहीं हो रहे थे। और जैसे ही उनने 26 तारीख से 15 कर दी तो हमारे पति ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय के आदेश के अनुसार खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया है। और मैं सभी मध्य भिंड में भिंड के बस स्टैंड पे पुलिस को बुला के उनने खुद ने सरेंडर किया है। और ये सब कुछ है, मेरे पति ने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश था तो उनका पालन किया है। और मैं अब अपील करती हूँ कि आप सबसे सभी से मेरा एक निवेदन है कि मेरे पति इस केस में बिल्कुल जरा से भी इन्वॉल्व नहीं थे, उन्हें भी न्याय दिया जाए, सभी से निवेदन है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।